जी दोस्तों, आज हमारे पास है स्मार्ट होट प्रो 2 मोबाइल है दोस्तों। तो इसका जो लाइट प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका लाइट का जो प्रॉब्लम है उसको मैंने कैसे सलूशन किया है, आइए इसको तफसील से जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसके लाइट सेक्शन के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं दोस्तों, कि इसका कौन कौन सा पॉइंट कहाँ पर जाता है और क्या इसका काम है दोस्तों, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसके जो चिप इन वाला आईसी है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी ये आपको नीचे एक नंबर पिन जो नज़र आ रही है, ये देखें ये वाली, ये दोस्तों इनपुट वोल्टेज हैं जो वी बैड से डायरेक्ट यहाँ पे वोल्टेज आते हैं, तकरीबन 3.78 के करीब यहाँ पे वोल्टेज आपको मिलेंगे। आपने चेक करना है कि हमारे इनपुट वोल्टेज ओके हैं कि नहीं। तो उसके साथ ये दरमियान वाला पॉइंट है ई एन सिग्नल का, जिसमें आपको 1.8 के करीब वोल्टेज आएंगे दोस्तों। तो ये आपको तीन नंबर पिन जो है, ये आप यहाँ पे आउटपुट पॉइंट है जो कि एनोड का पॉइंट है दोस्तों, इस कॉइल से बूस्ट होता हुआ ये डायोड के एनोड पॉइंट पे आता है, और ये डायोड के एनोड पॉइंट से डायरेक्ट एलसीडी के 10 नंबर पिन पे जाता है दोस्तों। ये इसकी जो 10 नंबर पिन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपने तो इसकी ये जो ये आपको पिन नज़र आ रही हैं, ये ग्राउंड पिन और कैथोड की पिन है दोस्तों, और दरमियान में इसका फीडबैक पॉइंट है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसके जो एनोड का पॉइंट है, इसको आपने चेक करना होता है कि एलसीडी के जितने भी पिन पे जा रहा है, आपको कोई भी फ़ोन है आपके पास, तो ये हमारा पॉइंट जो डिस्कनेक्ट हो तो नहीं हुआ, कनेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले आपने इस पॉइंट को चेक करना होता है दोस्तों। अगर आपके पास कोई भी लाइट मोबाइल आए लाइट सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो आपने इसको इसका जो एनोड पॉइंट है यहाँ पे हाई वोल्टेज बनते हैं, इसको आपने चेक करना होता है। तो ये हमारा पॉइंट ओके है दोस्तों। तो उसके बाद हम इसकी जो बूस्ट कॉइल है उसको चेंज करेंगे दोस्तों, क्योंकि लाइट सेक्शन में बहुत सारी जो प्रॉब्लम आती है वो बूस्ट कॉइल की वजह से आती है। ये बूस्ट कॉइल हमारी जो ख़राब हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा हाई वोल्टेज यहाँ भी बनते हैं दोस्तों, तो 15 से 25 वोल्ट तकरीबन यहाँ पे हमारे एनोड पॉइंट पे बनते हैं, जो बूस्ट कॉइल से बूस्ट होते हुए डायोड के एनोड पॉइंट से एलसीडी के पिन में जाते हैं। तो दोस्तों ये जो बूस्ट कॉइल है, आप किसी भी अदर फ़ोन के जो लाइट सेक्शन में से ले सकते हैं, तो इसकी जगह दोस्तों बूस्ट कॉइल ही आपने चेंज करनी है, ना कि बक कॉइल वगैरह आप नहीं लगा सकते यहाँ पर। आप किसी भी फ़ोन के जो लाइट सेक्शन है उसमें से ये ले सकते हैं। ये देखें, मैं ये मैंने लाइट सेक्शन में से उतारी है, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी है, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगी। तो हम थोड़ी सी इसको इधर साइड पे कर लेते हैं, ताकि हमारे जो आईसी के पिन हैं उस पर उससे उसके साथ ये शॉर्ट ना हो। तो ये देखें, हम इसको कॉइल को चेंज करते हैं। और दोस्तों कॉइल को चेंज करने के बाद मैं इसमें जो इस मोबाइल में जो मेरे में फॉल्ट आया है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अक्सर जो वाटर डैमेज मोबाइल होते हैं उनमें ये फॉल्ट भी आ जाता है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हमारा लाइट सेक्शन तो ओके हो जाता है, लेकिन हमारी जो एलसीडी में भी प्रॉब्लम आती है वाटर डैमेज की वजह से, तो वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो मैंने इसके पहले ही पैनल ओपन कर लिया है, ताकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों आपको शॉर्ट ही में सब कुछ आपको दिखा दूँ। तो ये देखें, जो ये एलसीडी का मैंने जो नीचे सेक्शन जब मैंने इसको ओपन किया, तो ये देखें ये वाटर डैमेज की जो पानी की वजह से ये क्या इसकी सूरत हाल थी। तो ये आपके पास कभी कभार ऐसा फ़ोन भी आ जाता है जिसके जो एलसीडी के जो पॉइंट होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होती है, बजाय इसके कि आप पूरी पूरी कम्बो को एलसीडी डिस्प्ले को चेंज करें, तो आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसको कैसे रिपेयर किया, इसको कैसे इसका सॉल्यूशन किया। ये देखें, वाटर की वजह से हमारा जो ये मसला ख़राब हुआ था यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको वॉश कर लेते हैं अच्छे तरीके से, और वॉश करने के बाद दोस्तों इसके जो एनोड और कैथोड का लाइट जो प्रॉब्लम जो पॉइंट है आपको सामने नज़र आ रहा है, तो आपने इसको चेक करना है कि ये जंग की वजह से ख़राब तो नहीं हो गए। तो ये जो एलसीडी में पॉइंट जा रहे हैं, ये
वाटर की वजह से, जो जंग लगने की वजह से ख़राब तो नहीं है, तो हम इसको रीसोल्ड कर लेते हैं। वो रीसोल्ड करने के बाद ये जो हमारी यहाँ पे भी वाटर जमा हुआ है, तो हम इसको भी पेस्ट के साथ पेस्ट लगा के थोड़ा सा रीसोल्ड कर लेते हैं। तो रीसोल्ड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से फिर वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद इसको हम दोबारा से ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा जो फ़ोन का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो हम इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो ये दोस्तों इसकी बैटरी लो है, तो इसको हम सप्लाई की मदद से ऑन कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। तो हम इसको फिर से दोबारा से ऑन करके आपको दिखाते हैं कि इस प्रोसेस जो मैंने प्रोसेस किए हैं लाइट सेक्शन पे, जो LCD पेज उसके से हमारा जो फ़ोन है वो ओके हुआ कि नहीं। तो ये देखें हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके हो चुका है, इसकी लाइट बिल्कुल ओके हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो को अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए टिप्स के साथ। तो तब तक के लिए शहज़ाद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।